एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख लिए बिना ब्रेक दिए, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक दिए। भाई आज हम आए हैं चुलकाना धाम में, जो कि श्री चुनकट जी की नगरी बोली जाती है, चुनकट ऋषि जी की। और चुनकट ऋषि जी कौन थे, क्या उनका मतलब जीवन परिचय था, क्या कैसे उन्होंने क्या किया, तो आज हम सारी बातें करेंगे मंदिर के पुजारी के साथ, जो कि मिस्टर मनीष शर्मा जी हैं। तो उनसे हम चुनकट ऋषि जी के बारे में बातें करेंगे। तो कैमरामैन से कहूँगा भाई, एक बार आराम आराम से एक बार ये कुंड और दिखा दे, इधर घुमा के कैमरा घुमा के ये दिखा दो भाई। ये देखो भाई, ये चुनकट ऋषि का, लकेश्वर बाबा का जो है कुंड है, जिसके अंदर स्नान करती है पब्लिक। तो ये देख लो कितना बड़ा तालाब है ये, जो स्नान के लिए। अब कैमरामैन से कहूँगा भैया मेरे पीछे पीछे आ जाए एक बार कैमरा लेके। तो ये भाई चुनकट ऋषि जी के जो मेन प्राचीन मंदिर जो है चुनकट ऋषि जी का, वो ये है भाई। तो हम आज चुनकट ऋषि जी के मंदिर में आए हैं और बातें करेंगे। तो हम चुनकट ऋषि जी के मंदिर में आए हैं और हम बातें करेंगे भाई पुजारी जी जो यहाँ पे हैं, पंडित जी मनीष शर्मा जी और मनीष शर्मा जी से हम आज जो भी हमारे लकेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है चुनकट ऋषि जी, उनके बारे में जानेंगे। तो मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका देवभूमि चुलकाना धाम पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बाबा चुनकट ऋषि के नाम से ही चुलकाना धाम बसा हुआ है। बाबा चुनकट ऋषि ने सतयुग में इस तपोभूमि पर तपस्या करी थी। उस समय राजा हुए यहाँ पे चकवा बैन जी। चकवाई को उपाधि होती है जी, अपनी पृथ्वी पे 6 चकवे हुए हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हो जिनका पूरी पृथ्वी पे राज हुआ है जी। जो चकवा बैन देव श्री राम के पूर्वज थे, तो उन्हें एक संकल्प लिया कि मेरी नगरी में जितने भी साधु संत हैं सबको मैं अपने यहाँ पे भोजन ग्रहण कराऊंगा। तो सबको निमंत्रण दिया, बाबा के आश्रम में आए। बाबा को कहते हैं आप भी हमारा अंजल ग्रहण करो। बाबा ने मना कर दिया कि मैं वरदान के हूँ, तपस्या में लगे हूँ, मैं आपका अंजल ग्रहण नहीं कर सकता। तो राजा को अहंकार हो जाता है कि एक साधु ने मेरे को मना कर दिया। गवर्नमेंट में आ जाते हैं राजा और बाबा को कहते हैं कि आप मेरी नगरी छोड़ के जाओ, नगरी से बाहर जा करिए अपना पूजा पाठ, जो करना यहाँ पे रहोगे तो हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा आपने। तो बाबा ने समझाया, नहीं माने तो बाबा ने तीन शर्तें, और राजा ने तीन शर्तें रख दी बाबा के आगे, या तो मेरा अंजल ग्रहण करो, या नगरी छोड़ के जाओ, या फिर मेरे साथ युद्ध करो। तो बाबा ने देखो भोजन तो ग्रहण नहीं कर सकते थे क्योंकि वह दान के भेजे, और नगरी छोड़ के भी जाए तो जाए कहाँ, सारे को राज उनका था। तो बाबा ने उनके साथ युद्ध स्वीकार कराया उनका। तो राजा का और बाबा का युद्ध हुआ था जी। राजा चकवा बैन की 7200 सेना थी, जो महाभारत में लड़ी थी ना कौरव पांडव की, दोनों के मिला के 1800 सेना बनती थी। तो राजा की 7200 सेना थी। बाबा ने 2.5 कुशा तैयार कर ली वेद मंत्रों से जी, दाब की। एक कुशा जैसे तोड़ तोड़ के सेना के ऊपर फेंक की है, तो उनकी सेना खत्म हो गई। एक उनकी नगरी के ऊपर फेंक दी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है गनोर, गनोर के पास एक गाँव है सतकुंभा खेड़ी जी, वो नगरी थी राजा की। वो पूरी पूरी नगरी पलट रखी है बाबा ने जी, आज भी सरकार ने वहाँ पर खुदाई बैन कर रखी है। और आधी कुशा बाबा की बच जाती है, बाबा के तपोबल के कारण ये भूमि पवित्र हुई, इसलिए यहाँ पे श्री श्याम बाबा शीश का दान हुआ और बाबा के नाम से गांव का नाम पड़ गया चुनकट से ही चुलकाना जी। बाकी जैसे श्याम बाबा की काशी द्वादशी पूजा जी, यहाँ रविवार का विशेष दिन है, हर चांदन के रविवार को यहाँ भंडारा रहता है, और दो दो तीन तीन साल तक एडवांस का बुक है। जैसे भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, कोई भंडारा बोलता है, कोई चादर लेके आता है बाबा की, जिसके जो श्रद्धा समान प्रसाद रहते हैं, जो अपने भारत की 84 सीध भेड़ है उनमें आता है चुलकाना धाम बाबा के तपोबल के कारण। बोले लकेश्वर बाबा की जय हो। तो भाई देखो, आज आपने श्री चुनकट ऋषि जी के बारे में आपने जाना, और पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है कि भाई किस तरह से ये यहाँ आए थे, और किस तरह से राजा चकवा बैन का यहाँ राज्य था, और उन्होंने किस तरह से अपनी शर्तें रखी, और फिर बाबा लकीसर ने, चुनकट ऋषि जी ने किस तरह से उनका घमंड तोड़ा, उसको चूर किया। तो ये अभी मनीष जी ने आपको बताया है, और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एंडी छोरा गौतम की तरफ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका भी देवभूमि चुलकाना धाम पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।